बातचीत करेंगे, तुम भी आना वहाँ पे जी, आमने सामने बात करेंगे। बहुत बहुत मारते हैं हम। नहीं, अगर ऐसा है तो इस पे इसको संज्ञान में लेकर बिल्कुल बातचीत की जाएगी और निर्देश दिया जाएगा। सभी थानों में महिला का होना बहुत जरूरी है, महिला थाने में तो महिला पुलिस का होना तो बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं है वहाँ पे किसी कारण से, हो सकता है कभी कभी उन्हें कहीं भेज दिया जाता है, तो उस जगह पे पुरुष जो ये बैठ के वो सुनवाई करते हैं। जो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी महिला स्टाफ काफी कम है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कहीं है तो उसको संज्ञान में लेकर उसको कोशिश की जाएगी, जो कमियां हैं पुलिस विभाग में, ठीक है ना, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। हम लोग का इसीलिए दौरा होता है कि जहाँ कहीं हम लोग सभी जगह जाते हैं, हम लोग थानों का भी दौरा करते हैं, वहाँ कहीं कोई कमी अगर हम लोग को लग रही है तो हम लोग शासन को लिखकर भेजते हैं ताकि उन कमियों को। इसमें दहेज उत्पीड़न की और डोमेस्टिक वायलेंस की समस्याएं ज़्यादा आती हैं, और जिनमें महिला शिकायत तो थानों में दर्ज कराती है पर उसका ये प्रयास होता है किसी तरीके से पुलिस दबाव बनाकर उनको साथ रहने के लिए, पति पत्नी साथ रहना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से जो आपस में झगड़ा होता है, तो पत्नी थाने में जाती जरूर है लेकिन वो ये भी चाहती है कि पति को समझा कर उसको साथ रहने के लिए मजबूर किया जाए। तो वो थानों में इसलिए जाती है कि शायद पुलिस के दबाव से पति साथ रहने के लिए मजबूर हो जाए। तो दहेज उत्पीड़न और डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू जो मारपीट होती है, वो यहाँ पे ज़्यादा आती है। जैसा कि शाहजहांपुर में अगर देखा जाए विगत महीनों में लगभग आधा दर्जन अज्ञात महिलाओं के शव यहां पर मिल चुके हैं, पुलिस की एक निष्क्रियता ही इसको कहेंगे जो देखने को मिलती है कि अज्ञातों की ना तो वो शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं और पूरा केस ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को आप किसी तरह के निर्देश देना चाहिए। नहीं बिल्कुल, ये तो जो आप बता रहे बड़ा गंभीर मसला है और इसमें पुलिस अधिकारियों को जो है इस मामले को संज्ञान में लेके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा प्रयास करें कि ये घटनाएं हो ही नहीं। ये मतलब मुझे लगता है कि ये जो पुनरावृत्ति होती रहती है घटनाओं की, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और ये तभी होगा जब सारे अधिकारी बहुत जिम्मेदारी के साथ में अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और तभी अपराधों में भी कमी आएगी। और उनको इंस्ट्रक्शन बराबर दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं, सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है कि जो भी अपराध हो रहे हैं चाहे वो महिला अपराध हो चाहे कोई भी अपराध हो, उनमें कमी आनी चाहिए और बहुत सख्त है सरकार इस मुद्दे को लेकर। तमाम महिलाएं वो थानों से बैरंग वापस कर दी जाती हैं, कोई मामला दर्ज नहीं होता, ऐसे में क्या कार्रवाई की जाएगी पुलिस के ऊपर? हाँ, ऐसी शिकायतें सुनने में आती हैं, इसीलिए महिला आयोग ने इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए महिला आयोग ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी महिला किसी भी जिले में बैठकर अपनी समस्या को लिखकर आधार नंबर के साथ उस पर व्हाट्सएप कर दे और ये तुरंत वहाँ रिसीव होता है महिला आयोग में और तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। बहुत तेजी से काम होता है इस पर। ये इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए ही ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है ताकि महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सके और उनको न्याय मिल सके।